हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की कुकिंग क्लास लेने जा रही हूँ और आज की क्लास में मैं आप लोगों को ढोकला बनाना सिखाऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे हम नाश्ते में खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ढोकला बनाने के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। ढोकले का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और इसे अच्छे से छान लिया है। 2 टेबल स्पून चीनी, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच तेल, 1 नींबू का रस, 1 इनो और पानी। मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च ली है, 2 चम्मच सरसों लिया है और थोड़ा सा करी पत्ता लिया है। इसका इस्तेमाल हम ढोकले पर तड़का लगाने के लिए करेंगे। अब हम ढोकले का बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बर्तन में बेसन ले लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी देंगे। हल्दी हमें थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है। दो चम्मच तेल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। बैटर अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें इनो मिला लेंगे और इसे अच्छे से ऐड कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। अब हम एक बर्तन में पानी 2 ग्लास पानी लेंगे और इसे गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। उबाल आने तक गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे ताकि पानी अच्छे से उबल जाए। अब एक बर्तन लेंगे और उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें ढोकले का बैटर डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से टैप कर लेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप छोटी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर इस बर्तन को बैठा देंगे और इसे स्टीम पर पकने के लिए ढककर रख देंगे। अब इसे लो फ्लेम पर मैंने ढोकले को पकने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ढोकला पकता है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच सरसों डालेंगे। इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ते डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से उबाल लेंगे।
ये अच्छे से पक चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे। तब तक हम अपना ढोकला चेक कर लेते हैं। अब हम एक चाकू की मदद से चेक कर लेंगे कि हमारा ढोकला ठीक से पका है कि नहीं। हमारा ढोकला जो है ठीक से पक चुका है, देख सकते हैं। इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल कर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा ढोकला थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा ढोकला कितना सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसका तड़का हमने तैयार कर रखा है, तो इसे हम ऊपर से डाल देते हैं। हमारा ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी इसी तरह से घर पर ढोकला बनाइएगा और इसकी फ़ोटो अपने क्लास टीचर को सेंड कीजिएगा। आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के कुकिंग क्लास के मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।